नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब। बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि अगर हम मुसलमान समझे, कुरान को हम चूँकि समझते नहीं हैं और सिर्फ रट्टा रटाया पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, इसी वजह से इतनी बरकतें हासिल नहीं हो पाती। अगर आप समझेंगे तो यकीन अमल करेंगे, अमल की तौफीक मिलेगी और हमारा ही फ़ायदा है। ना अल्लाह का फ़ायदा है, ना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा है, ना शरीयत इस्लाम का फ़ायदा है, सिर्फ हमारा फ़ायदा है, मुसलमान का फ़ायदा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो गुनाहों से बचे, जो तक्वा अख्तियार करे, अल्लाह उसको क्या करेंगे, हर किस्म की दुश्वारी और तंगी से उसको निजात देंगे, वो रिज़्क करेंगे, रिज़्क अता फरमाएंगे जहाँ से वो गुमान भी नहीं करेगा। अब नज़र कीजिए, एक साहबी है, या रसूलल्लाह मैं गया यानी जंगल में, जैसे पहले होते थे वाशरूम तो होते थे पेशाब के लिए, तो वहाँ की एक छोटा सा जानवर अशर्फी लाता है, एक निकालते ज़मीन से बाहर निकालते, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं इसी तरह बाथरूम में नासिल करिए। आप तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तुम्हारा रिज़्क था कि जब बंदा अल्लाह का मोहताज, अल्लाह का फरमा बरदार, अल्लाह का ताबेदार, अल्लाह के हबीब का फरमा बरदार बन जाता है तो अल्लाह उसको ऐसी बरकतें देते हैं कि गुमान भी नहीं होता जहाँ से रिज़्क मिलता है। और यह जो अल्लाह मखराजा यानी हर तंगी से, दुश्वारी से, तकलीफ़ों से निजात देते हैं। मेरे दोस्त से वहाँ तकरीबन उन्होंने वो था दुनियापुर के करीब, उनकी फसल तैयार थी, थ्रेशर लगी हुई थी और काले बादल घटा छा गए, काले बादल आ गए, करीब था कि सारी फसल उनके गंदम भी ख़राब हो जाती, भूसा भी ख़राब हो जाता, तो बड़ा नुकसान हो जाता। फौरी तौर पर उन्होंने मुसल्ला मंगवाया, फौरी तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए, नफल पढ़ के इतना रोए, इतना रोए कि जब तक बादल गए नहीं, ख़त्म नहीं हुए, इम्कान भी ख़त्म नहीं हुए, बारिश को सब तक उठे नहीं मुसल्ले से। तजर्बा करके देख लीजिए, जब भी आपको परेशानी हो, मुसीबत हो, आप निकी कीजिए, निकी का काम कीजिए, नफिल पढ़िए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होइए, या लोगों के साथ तआवुन कीजिए, मदद कीजिए, लोगों की नुसरत कीजिए, लोगों के साथ भलाई कीजिए, अच्छाई कीजिए, अल्लाह आपकी नस्लों के साथ अच्छाई भरेगा, आपको हर परेशानी तकलीफ से भी निजात दे देगा और रिज्क भी वहाँ से देगा जहाँ से गुमान भी नहीं हो सकता। आइए हम इस मुआशरे की सलाह करें, उम्मत को बेहतरी की तरफ लाएं, पटरी पर चढ़ा दें, उस ट्रेन पर बिठा दें उम्मत को, मुसलमान को, अपने जानने वालों को, अपने नीचे हमले को और मुतालिकीन को, मुतवसलीन को, जो मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रही ट्रेन। लेकिन हम गलती से, गलत तरबियत से, गलत इल्म से, गलत फहम से, दीन के ना समझ, कुरान के ना समझने की वजह से हम समझते हैं कि शायद ट्रेन जा रही मदीना मुनव्वरा की तरफ, लेकिन हमें कहें वो बम्बई की तरफ भागी जा रही है। तो आइए हम अपना किबला दुरुस्त करें, अल्लाह के रसूल का फरमान बदार बन जाएं, नेकी हर हाल में नेकी करें, बुराई को हर हाल में छोड़ दें, अल्लाह आपकी नस्लों को हर परेशानी से निकाल देगा और रिस्क वहाँ से देगा जहाँ गुमान भी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहन 100% इस पैगाम पर खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी करेंगे, खुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी सुनाएंगे।